हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं जसोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको SBI कियोस्क मोर्फो RDE सर्विस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। हमारे को विंडोज़ के अंदर मोर्फो प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर आप हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर SBI पोर्टल को ओपन कर लिया है और SBI पोर्टल के अंदर हमने रिपोर्ट पोर्टल को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर मोर्फो का RDE का जो सॉफ्टवेयर है वो न्यू डाउनलोड करना बताऊँगा और इंस्टॉल करना बताऊंगा, और पुराने वाले सॉफ्टवेयर को कैसे अनइंस्टॉल करेंगे और नए वाले सॉफ्टवेयर को वापस कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, और आपके मन में कोई और सवाल हो या आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रिपोर्ट पोर्टल पर आने के बाद में आपको यहाँ पर डाउनलोड फाइल पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको RDE सेटअप फॉर FP डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो RDE सेटअप यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर डाउनलोड फाइल आ जाएगा। आपके पास में मोर्फो है या कोजेंट है या जो भी आपके पास में डिवाइस है उस डिवाइस को आप सेलेक्ट करो। मैं यहाँ पर मोर्फो का बता रहा हूँ, तो मोर्फो को आप सेलेक्ट करोगे और डाउनलोड पर क्लिक करके आप यहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद में आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर इस प्रकार से एक फोल्डर आ जाएगा जो जिप फाइल होगी। उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करोगे तो एक न्यू फोल्डर बन जाएगा इस तरीके से। इस फोल्डर को आपको ओपन करना है और यहाँ पर मोर्फो RDE का सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन करना है। और इसके अंदर हमारे को बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे को इंस्टॉल करना है। फ्रेंड्स, अभी क्या है, SBI कियोस्क का मोर्फो का जो RDE का सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट वर्जन आ गया है, वर्जन और अपडेट हो गया है, इसलिए हमारे को वर्जन को अपडेट करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे BC सेटअप के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर मोर्फो लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। तो इसके अंदर भी हमारे को तीन फाइल दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर जो EXE लिखा हुआ है आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे। तो इस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है इसको ध्यान से देखिए। इससे पहले हमारे को पुराने वाले सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है, तो उस सॉफ्टवेयर को अपन अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। तो यहाँ स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। आपके पास में चाहे विंडो 7 हो, चाहे विंडो 10 हो, कोई सा भी आपके पास विंडो हो, इसी प्रकार से आप अनइंस्टॉल करोगे और इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पर मैं अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप मेरा वर्जन मोर्फो का देख रहे हो, यहाँ पर 4.2 है, तो इसी वर्जन को हमारे को अनइंस्टॉल करना है। और एक यहाँ पर मोर्फो स्मार्ट USB यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को भी अपन अनइंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले अपन यहाँ से सर्विस को ओपन करेंगे, SER लिखेंगे, सर्विस को ओपन करेंगे, और यहाँ से अपन मोर्फो को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से MO लिखेंगे तो यहाँ पर मोर्फो सेलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से जो हमारी पहले RDE सर्विस रन हो रही है उसको यहाँ से स्टॉप कर देंगे, ताकि हमारे जो मोर्फो की फाइलें हैं अनइंस्टॉल आराम से हो जाए, हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। तो आपको सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते समय आपको राइट क्लिक करके ही अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, ताकि आपकी जो मोर्फो की कंप्लीट फाइलें हैं वो अनइंस्टॉल हो जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा और एक एक स्टेप है वो ध्यान से फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है BC इंस्टॉलेशन के रिलेटेड या RDE के रिलेटेड, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो, उसका आपको NDS का चार्ज लगेगा, मैं आपको NDS से हेल्प दे सकता हूँ। यहाँ से कंट्रोल पैनल से अनइंस्टॉल होने के बाद में इसको क्लोज करना है और C ड्राइव को ओपन करना है। C ड्राइव को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप दो फोल्डर देखोगे, एक मोर्फो RDE सर्विस सॉफ्ट लिखा हुआ है, एक इसी के ऊपर मोर्फो लॉग का फोल्डर बना हुआ है। इन दोनों फोल्डर को अपन यहाँ से डिलीट कर देंगे, फिर अपन यहाँ से वापस क्लोज कर देंगे। उसके बाद में जो हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखा है वहाँ से वापस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो हम यहाँ से EXE फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारा जो न्यू वर्जन सेटअप है इसी के ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रन एस एडमिनिस्टर पर अपन क्लिक करेंगे, और अपन RDE सर्विस का सॉफ्टवेयर है, न्यू वर्जन सॉफ्टवेयर है, इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मोर्फो का
सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो रहा है, बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉल हो रहा है, कंप्लीट इंस्टॉल हो रहा है। इसी तरीके से आप अनइंस्टॉल और वापस इंस्टॉल करोगे तो आपके सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिवाइस हैज़ बिन रजिस्टर्ड आ गया है और हमारी मोरफो की आरडी सर्विस है वो रिस्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ से अपने को पीसी को रिस्टार्ट नहीं करना है, नो पे क्लिक करना है, उसके बाद में आप पीसी को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से वापस अपनी जो सीएसपी की साइड है इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ और वापस ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बीसी साइड को सक्सेसफुली लॉग आउट कर लिया है और वापस मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया है। अब हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ पर आरडी चेक हो रहा है, चेकिंग फॉर आरडी सर्विस अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पर ओके कर लेते हैं। तो हमारी सिस्टम के अंदर आरडी सर्विस है वो रन हो चुकी है और यहाँ पर सक्सेसफुल न्यू वर्जन वर्क कर रहा है। अपन यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ फिंगर पे क्लिक करते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने फिंगर लगा दिया है, फिंगर कैप्चर भी हो गया है और यहाँ से ओके कर लेते हैं और यहाँ पर फिंगर वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया है, यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सक्सेसफुली न्यू मोरफो आरडी सर्विस इंस्टॉल कर लिया है, और इसी तरीके से आप भी अपने एसबीआई क्योस्क के अंदर मोरफो आरडी सर्विस का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास में एसबीआई सीएसपी नहीं है, अदर सीएसपी है, उसके लिए आप आरडी सर्विस को अपडेट करना चाहते हो, तो उसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो आ गया है। आप चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपके पास में कौन सी सीएसपी है और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं।